कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना की चौथी वेव आने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। वहीं IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल का कहना है, यदि चौथी लहर आई भी तो यह गाथक नहीं होगी। उनका कहना है कि हाल ही में कोरोना के प्रतिबंध हटाए गए हैं, जिसके चलते मामलों का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, यही वजह है कि थोड़ा बहुत संक्रमण बढ़ा है। प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने कहा कि आने वाले एक दो सप्ताह बाद संक्रमण की दर कम हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के बारे में गणितीय मॉडल के आधार पर अभी तक सटीक आकलन करने वाले प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल का कहना है, यह कि चौथी वेव आने की आशंका बहुत कम है, अगर यह आती भी है तो घातक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश में 90% से अधिक लोगों में कोरोना के प्रति इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क लगाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL। ये एक एपिडेमोलॉजी का नियम है कि जब आप रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लोग मास्क पहनना शुरू करते हैं, आने जाने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो फैलने की रफ्तार कम हो जाती है, इसीलिए लॉकडाउन्स लगते हैं। इसका दूसरा भाग ये है कि जब हम सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाते हैं तो फैलने की रफ्तार बढ़ती है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 1.5 महीने में सारे रेस्ट्रिक्शन एक एक करके हटा दिए गए हैं, अब मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं रह गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा तेज़ी से संक्रमण का फैलना बड़ा सामान्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उसकी वजह से कुछ संख्या बढ़ रही हैं, कुछ स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों में अब सब घर से बाहर निकले हैं, थोड़ा उनमें भी फैल रहा है। तो मोटा मोटा देख के मुझे लगता है कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है। ये कोई भी इसमें अभी तक ऐसा आश्चर्यजनक चीज़ नहीं दिखी है कि अरे ऐसे कितना ज़्यादा संख्या कैसे बढ़ गई। अभी कुछ समय तक हमें और देखने की आवश्यकता है। मेरा आकलन ये है कि कुछ समय में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के पश्चात, ये संख्या अब फिर उसके बाद नीचे जाना प्रारंभ कर देगी, तो कोई चौथी वेव घातक हो इस प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा है।